লাগছে তো না লাগলে তো উপরে যায় নাকি আবার লাগছে না মা দে আমাকে জামি চলে গেছে হ্যাঁ শক্ত হয়ে না হ্যাঁ শক্ত হয়ে তুই ভাই চাস না মিষ্টি না বন্ধ করে দে মিষ্টি না লাভ নাই ভাই আমি ক্যামেরা ধরতেছি বলতে থাক অন করে দিছিস হ্যাঁ नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके चलूँगा कश्यंग। कश्यंग एक नॉर्थ बंगाल में एक बहुत ही छोटा सा बहुत खूबसूरत सा जगह है और देखिए यहाँ पे सनसेट ऑलरेडी हो चुका है और व्यू अल्टीमेट है। बहुत ही बढ़िया जगह है ये और हम लोगों ने एक्चुअली जर्नी ये स्टार्ट किया थोड़ा शाम के टाइम में 3-4 बजे के आसपास, क्योंकि दिन भर का टाइम था, शेड्यूल अपना अपना हर एक का अपना अपना होता है, तो मतलब टाइम मैनेज नहीं कर पाए थे, तो इसलिए हम लोग शाम के टाइम निकले हैं यहाँ पे कश्यंग घूमने के लिए। और देखिए कैसे धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ, बट ये है कि ग्रीनरी इतनी है ना तो क्या बताएं, मतलब कश्यंग इन ग्रीन कलर अल्टीमेट है। अच्छा मैं ये बोलने जा रहा था कि आपको कश्यंग के बारे में थोड़ा इसका हिस्ट्री आपको आपके साथ शेयर करते हैं। कश्यंग जो है ना ये एक्चुअली पहले इसको कश्यंग के नाम से जाना जाता था। आई होप मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ, शायद कश्यंग हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो सके, बट ये लैपचा लैंग्वेज में इसको कश्यंग बोला जाता था पहले, जब ब्रिटिशर से पहले जो इसका जो नाम था कश्यंग था। इसका मीनिंग जो होता है ना, ये इसका मीनिंग होता है लैंड ऑफ वाइट ऑर्किड, तो इसीलिए कश्यंग को लैंड ऑफ वाइट ऑर्किड भी कहा जाता है कश्यंग को। और कश्यंग फेमस है यहाँ के टी गार्डन्स के लिए, और यहाँ पे जो टी गार्डन्स है और इनमें से जो फेमस है वो है मकाईवाड़ी टी स्टेट, गोमते टी स्टेट, ये दो और भी सारे बहुत सारे टी स्टेट है, मतलब ये कश्यंग पूरा ही टी गार्डन से ही बड़ा पड़ा है, तो बहुत ही अल्टीमेट व्यू आता है। और ये जो चाय की यहाँ पे जो खेती है ना, ये अप्रोक्स 1820 के अराउंड 1835 के अराउंड ये स्टार्ट हुआ था, मतलब ब्रिटिशर ने यहाँ पे स्टार्ट किया था ये चाय की खेती यहाँ पे, और उसके बाद से ये टी गार्डन का मतलब ये मतलब पूरा फेमस हो चुका है ये दार्जिलिंग, मतलब ये टी गार्डन्स के वजह से। और दोस्तों एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ के जो रोड्स हैं ना, जैसे आपने पहले देखे कि मतलब गियर में डालने के बाद भी बाइक आगे नहीं जा रही थी, हाँ यहाँ के मतलब रोड जो है ना काफ़ी खड़ा, मतलब खड़ाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर फर्स्ट टाइम अगर ड्राइव कर रहे हैं तो मतलब थोड़ा सा ध्यान से ही आए, और कश्यंग के इन सारे रोड्सों को ना मतलब रोड ऑफ डेथ रोड के नाम से भी ये जाना जाते हैं, तो बहुत ही संभाल के चलाना पड़ता है। और जो एक्सपर्ट ड्राइवर है या फिर जो इसी एरिया के ड्राइवर हैं वही इस एरिया पे चला सकते हैं। मैं तो काफ़ी बार चला चुका हूँ, बट ये है कि मैं बाइक से ही मतलब हिम्मत कर पाता हूँ कि यहाँ पे चला पाऊँ, क्योंकि कार से तो मेरे से हो ही नहीं पाता है, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाता है मतलब अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ पर। और उसी के साथ साथ कश्यंग जो है ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है डाउ हिल के वजह से। डाउ हिल का जो हिस्ट्री है मैं किसी और दिन किसी और ब्लॉग में बताऊंगा, इसका भी एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है इसका, और ये बहुत ही हॉन्टेड जगह है, मतलब आपको काफ़ी सारा स्टोरीज़ आपको गूगल में आपको यूट्यूब में बहुत सारा मिल जाएगा आपको। तो मैंने और मेरा दोस्त जो है अयान, हम लोग दोनों मिल के हिम्मत जुटाया, और हिम्मत क्या जुटाया, हम लोगों का चुल हुआ कि चलो रात को जाके एक्सप्लोर करते हैं, तो इसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। और आई होप मतलब अच्छा ही रहेगा, मतलब कुछ उल्टा पुल्टा अनाप शनाप नहीं होगा हम लोगों के साथ, और होप सो। तो पता नहीं हम लोग का हिम्मत भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वहाँ तक पहुँचने का, ये भी एक मैटर है, क्योंकि रात के टाइम में ना ऐसे ही डर ज़्यादा लगता है। तो देखते हैं वहाँ पर जाके एक्सपीरियंस करेंगे, हिम्मत तो जुटाए वहाँ पर जाने के लिए रात के लिए, बट हाँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे डर नहीं लगता, मैं सबसे ज़्यादा डरपोक इंसान हूँ, हाँ मैं डरपोक हूँ, मुझे डर बहुत ज़्यादा लगता है, तो और डर लगने में मुझे अच्छा भी लगता है, मतलब वो एक्साइटमेंट भी फील होता है, तो उसी लिए मैं ये कश्यंग जा रहा हूँ। मतलब संडे का दिन था तो चलिए क्यों ना मतलब कुछ क्रेजी सा किया जाए, तो मैंने और वो हम दोनों मिल के जा रहे हैं वहाँ पर। तो चलिए सफ़र इंजॉय कीजिए, आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा, और सीनिंग ब्यूटी कैसा है आपको, अगर अच्छा कैसा लगा आप लोगों को तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वो रहा कश्यंग का फेमस टीवी टावर, तो इसका मतलब हम लोग फाइनली कश्यंग पहुंच चुके हैं, और देखिए सनसेट के बाद ना मतलब कितना गजब का ब्यूटी लगता है, एकदम
सही में कुछ इवनिंग वॉक करते हुए लोग, और बहुत गजब का जगह है सीरियसली। मतलब यहाँ पे ना आके ही पता चलता है क्या गजब की शांति मिलती है यहाँ पे आके। देखिए सनसेट हुआ है और क्या गजब का मतलब खूबसूरती लग रहा है यहाँ पे। मतलब लोग यहाँ पे मतलब काफ़ी लोग प्लान करते हैं कि हम लोग इन सब एरियाज़ पे आएंगे घूमने के लिए, और हमारा घर ही यहाँ पे, हमें कहीं प्लान करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस बाइक उठाएँ और 5 मिनट में पहुँच गए हम लोग। तो चलिए ये सामने आने वाला है अभी कशियंका गेट, दोस्तों उसी के साथ हम लोगों का कशियंग में एंटर हो चुका है। ये रहा कशियंग का फेमस गेट, तो चलिए आगे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं। मैं एक्चुअली कि अभी कशियंग में आया था, मैं तो अभी मैं भैया से मिला हूँ मैं। तो आपका नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम कृष्णा, मैसूरू कर्नाटक स्टेट से आया हूँ। अच्छा, कर्नाटका से? हाँ सर। ओके, कर्नाटक स्टेट से। हाँ। पूरा भारत मतलब 28 स्टेट्स। हाँ। और नेपाल, दोनों राष्ट्र का सिर्फ पैदल यात्रा सर। पैदल यात्रा? अभी तक कोई गाड़ी कुछ नहीं है सर। कुछ गाड़ी नहीं ली? ट्रैकिंग सिस्टम भी है उधर ये, इसलिए मैं पूरा पैदल यात्रा कर रहा हूँ सर। ये अच्छा। कोई डेडिकेशन भी है सर। हाँ हाँ। और ये पैदल यात्रा का प्रमुख लक्ष्य हमारे सारे यूथ्स को और स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स को योगा और पर्यावरण के बारे में जागरूक कर रहा हूँ सर। अच्छा। मैं प्रोफेशनली योगा टीचर हूँ। अच्छा, बाय प्रोफेशन योगा टीचर। इसलिए मैं ये पैदल करने के लिए कई रीजन है सर। अच्छा। योगा हमारा देश का कला है। हाँ हाँ। हमारा परंपरा है, हमारा गर्व भी है, इसलिए योग शिक्षक के रूप में ये मेरा कर्तव्य है। हमारे देश के लिए कुछ बनाने के लिए मैं सोच किया कर रहा हूँ सर। अच्छा। और अभी तक सर हमारा कर्नाटक से मैसूर से 16 अक्टूबर 2022 वहाँ से निकलेंगे सर। अभी 16 अक्टूबर 2022। अच्छा, लगभग एक साल कम्प्लीट हो गया सर। हाँ। और 7,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। 7,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है? नेपाल भी पूरा हो गया ना सर। अच्छा, नेपाल भी पूरा हो चुका है। अब और भारत में 11 स्टेट कंप्लीट हो गया सर। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, नेपाल, फिर वापस ये अभी यहाँ से कृष्ण से दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से सिक्किम, फिर वापस नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, फिर वापस नई दिल्ली, नई दिल्ली से कश्मीर, लद्दाख, फिर वापस सेम पॉइंट कर्नाटक। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पैदल पूरा करने के लिए लगभग 1 या 2 साल लगे, और 1.5 साल लग जाएगा सर। 1.5 साल और लग जाएगा? और लग जाएगा। अच्छा। और ये हर रोज वॉकिंग करने के समय सुबह 6 बजे को वॉकिंग शुरू करता हूँ सर। अच्छा। और बीच में शाम 5 या 6 बजे तक वॉकिंग करता हूँ सर। अच्छा। बीच में स्कूल कॉलेज को विजिट करता हूँ। अच्छा। और बच्चों को योगा क्या है। अच्छा। योगा क्या फ़ायदा क्या है और आजकल क्यों इतना बढ़ता हो रहा है हमारे भारत पूरा दुनिया क्या बढ़ता है, मतलब योगा इतना फेमस हो रहा है, मतलब बढ़ता हो रहा है, और हमारा दुनिया में स्पेशली हम लोग क्यों योगा प्रैक्टिस करने के लिए हमारे सारे साइंटिस्ट डॉक्टर्स क्यों सलाह दे रहे हैं, और स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में योगा कैसे उपयोगी होता है, और योगा मेडिटेशन प्राणायाम और उसके बाद पर्यावरण के बारे में। ओके। बच्चों के हाथ से स्कूल परिसर में पौधा लगाकर उसके बाद पर्यावरण के बारे में भी जागरूक कर रहा हूँ। सो बस आपका मेन मोटिव है कि योगा को प्रमोट करना और नेचर को और जी मतलब और ज्यादा। मैं सभी स्टेट में सभी लोग बहुत अच्छी तरह ट्रीट कर रहे हैं सर। स्पेशली अच्छा, ये स्टेट हमको थोड़ा सा बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये ना सर इधर के महान लोग का जन्म हुआ। ये रामकृष्ण परमहंस, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे लोगों का जन्म हुआ ना सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। इधर लोग भी लगभग कोलकाता सब जगह घूम लिया सर, सब जगह पे फैमिली मेंबर तरह ट्रीट कर रहे हैं, और स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम करने के लिए भी अच्छी तरह मदद कर रहे हैं सर। अच्छा, अच्छा। और हमको बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। और ये तो आपके भाई वॉक ही कर रहे हैं, कोई मतलब लिफ्ट या कुछ नहीं, हिचहाइकिंग कुछ भी नहीं? नहीं सर, ये हिचहाइकिंग भी नहीं? नहीं सर, सर अभी यहाँ पे ये स्ट्रावा डाटा भी है। अच्छा, ये पूरा है सर। ओके, ये ट्रैकिंग सिस्टम भी है सर। हाँ, ये भी इंटरनेशनल एप्लीकेशन है सर। अच्छा अच्छा। और ये गूगल में भी चेक कर सकते हैं कोई। अच्छा, अच्छा, अगर गाड़ी में चले तो पता चलेगा। हाँ सर, इसलिए सिर्फ डेडिकेशन है सर पैदल करने के। अभी तक हमारे इंडिया में, मैं गूगल में चेक किया, इंडिया में योगा के बारे में कोई नहीं किया, अगर हम पूरा खींचे तो और भी अच्छा रहेगा।
नहीं हिचहाइकिंग तो किया है बट वॉकिंग बाय वॉक साइकिल में भी किया है। हाँ साइकिल में बहुत सारे लोग बहुत सारा किया है। हाँ लेकिन वॉकिंग में स्टेट स्पेशली योगा के बारे में अभी तक कोई नहीं किया। अब तक कितना स्टेट कवर हो गया आपका? अभी तक 11 हो गया ना सर, अभी तक 16-17 बाकी है। अच्छा अच्छा 16-17 सर। इसलिए मैं हमारे सारे भारतीयों से हमारे भारतीयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ हर रोज़ योगा प्रैक्टिस कीजिए, हर जगह पे पौधा लगाइए, हमारा देश और हमारा वातावरण सुरक्षित कीजिए। और एक बार निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज़ राइज योर वॉइस फॉर दिस कैंपेन टू मेक मोर सक्सेसफुल। जय हिंद जय भारत। थैंक यू। क्या नाम बताया सर आपका? कृष्णा। आपका कोई इंस्टा आईडी या कुछ आप सोशल मीडिया में है? अच्छा कृष्णा योगा सर। ओके ओके। आपको मतलब रात को स्टे कहाँ पे करते हैं? होटल्स में? नहीं, स्कूल, मंदिर, पेट्रोल पंप। अच्छा। कभी कभी पुलिस स्टेशन और कभी कभी लोग भी उनका घर पे सोने के लिए आमंत्रण। अच्छा नहीं इनवाइट करते हैं चलते, लेकिन इतना सिटी में होटल में रुक सकते कोई ऑप्शन नहीं है सर। हाँ तो ऑप्शन इसलिए मैं देख रहा हूँ, पूरे ठंडा भी आई इधर। तो आप एक साल से यहाँ पे कर रहे हैं और एक साल और लग जाएगा आप? और एक डेढ़ साल लग जाएगा। डेढ़ साल और लग जाएगा। अच्छा आपको स्पॉन्सर मतलब पूछना तो नहीं चाहिए, तो मतलब कैसे आप अपना एक्सपेंसेस कैसे मैनेज कर रहे हैं? फिर भी डेली बेसिस में तो एक्सपेंसेस तो एटलीस्ट है ही आपका। ज़्यादा पैसे नहीं बोल रहे सर, आएगा एक साल तक अभी लगभग 25,000 रुपये खर्च हुआ सर बस। मतलब एक साल में आपका 25,000 का एक्सपेंस हुआ है बस? हाँ मतलब क्या है ना सर, मैं इतना काम कर रहे हैं ना स्पेशली वो क्या काम कर रहे हैं ना कभी कभी, और ये मतलब क्या है DC सर, SP सर, ओके ये सारे फंड कभी कभी इंतजाम करते रुकने का आने के लिए। अच्छा, के लिए खाने खाने के लिए पैसे मॉनेटरी कुछ भी पैसा नहीं लेते। ओके मॉनेटरी हेल्प नहीं करते ना कुछ ना हेल्प सर। अच्छा हमको स्पेशली वी नेवर एवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स, जस्ट फोकस ऑन ओनली आवर ड्यूटी। ओके ओके। हां सर दिस इज रियल योगा सर, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस लाइक ऑन दैट ओनली। थैंक यू सर। ओके थैंक यू, एंजॉय योर टी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। फोटो लेनी सर? हाँ एक फोटो ले लेते हैं आपके साथ। और दोस्तों अभी हम लोग आए थे डाउ हिल एक्सप्लोर करने के लिए, बट एक ही वेदर बहुत ही ख़राब है, बारिश होना स्टार्ट हो चुका है और अभी देखिए रात हो चुका है। ये फेमस टावर है, क्या टावर, टीवी टावर है काशियांग का, बट जहाँ तक हमें लगता है कि आज हम लोग डाउ हिल जा नहीं पाएंगे। डाउ हिल जाने का रास्ता ये वाला है, ये अंधेरा वाला रास्ता, देख के हालत ख़राब हो रहा है यहीं पर ही, और यहाँ से होगा 2-4 किलोमीटर और आगे, बट हम लोग आज ये प्लान आज का यहीं पे कैंसिल करते हैं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। नीचे चलते हैं कुछ खाना ना खाते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। अब बहुत ठंड लग रहा है।